दोस्तों नमस्कार। हजारों दोस्त, लाखों दोस्त हैं आप जैसे जो मेरे वीडियो देखते हैं, जिसमें हजारों तो कमेंट भी करते हैं सारे वीडियोस को अगर मैं लगा लूं, क्योंकि लगभग 180 वीडियो हैं मेरे, सबके मैं कमेंट लगा लूं तो हजारों हैं। पसंद करने वाले भी लाखों हैं और लाइक भी हजारों है। ऐसे हजारों लाइक, हजारों कमेंट, जो बहुत अच्छे कमेंट, जो उत्साह बढ़ाने वाले मेरा, जो मुझे बहुत सहयोग देने वाले, जो ईश्वर के भक्त, जो सदाचारी, इतने सारे दोस्त मिले मुझे। शुक्रिया है कल की भगवान, आपके कारण एक मेरा नया परिवार बना। इन्हीं परिवार में तीन ऐसे लोग भी हैं जो मुझे थोड़ा असभ्य भाषा में लिख रहे हैं, तीन लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने लाइक किया, हजारों ने कमेंट करे इतने सारे वीडियो पे। कुल तीन ऐसे हैं जिनको शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ मेरे वीडियो, उनका भी थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी समय दिया और मेरे वीडियो देखे तब कुछ लिखा होगा, भाई जो भी लिखा होगा उनका वो प्रणाम। तो अभी मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया, ये तो धन्यवाद देने के लिए कि इतने लाखों में कुछ ऐसे भी होते ही हैं जो पसंद नहीं करेंगे, पसंद ना पसंद का कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने मात्र से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक अजीब सी खुशी हो जाती है। वो आपको, आपके कुछ हो ना हो, आपको कुछ दे ना दें, आपके लिए जीवन में कुछ करें ना करें, परिवार में भी, ऑफिस में भी, कई जगह आपको किसी को देख के एक अजीब सी एनर्जी का आभास होता है, इरिटेशन नहीं होता मतलब उससे। कुछ लोगों में ऐसा चुंबकीय प्रभाव होता है, जिनके साथ हम आसानी से जुड़े रहते हैं उनके साथ जुड़ना और भी अच्छा होता है, जिनके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव होता है, आप महसूस करना अपने आसपास, परिवार में, ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल, जहाँ भी आप रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनका आपको खुद मन करता होगा, वो बात करें ना करें फिर भी अच्छे लगते हो, ये होता है एक चुंबकीय प्रभाव, जिन्हें आप ग्रह भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, उनको देख के आपको खुद ही इरिटेशन हो जाएगा, शक्ल देखते ही, चाल ढाल देखते ही, बात देखते ही, कुछ भी नहीं कह रहे हो फिर भी आपको लगेगा ये एक अजीब सा इरिटेशन। होते हैं कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग जिनसे मिलके आप एनर्जी में भर जाते हो, ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करके आप एनर्जी में भर जाते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलके आप एनर्जी से खाली हो जाते हो, कई कई दिन तक चुप्पी रहती है कि भाई तो आपको पता भी नहीं कोई कोई आपसे क्या ले गया, आपसे कोई आपकी एनर्जी ले गया, इस बात पे हम लोग ध्यान नहीं देते। ये प्यार से भी बड़ी बात है कि आपका कोई किसी से कुछ भी नहीं है, कोई किसी से बात करी आपने, आपके आप एनर्जी से खाली हो, आपका मन में एनर्जी नहीं है, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा कुछ भी, और एक व्यक्ति ऐसा जिससे आप मिले वो आपके अंदर एनर्जी भर गया, ये प्यार से भी बड़ी बात है। आपका उससे कुछ रिश्ता नहीं है ऐसा, मगर कोई आपके अंदर एनर्जी भर देता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एनर्जी भर देते हैं, कुछ रिश्ते जो एनर्जी खाली कर देते हैं, इसका भी ध्यान जीवन में रखना चाहिए। बाकी ईश्वर से हमारा रिश्ता ऐसा है कि ईश्वर से जब भी आप नाम लोगे, प्यार करोगे, कुछ भी सोचोगे, एनर्जी से फुल भर जाओगे। और ईश्वर से ऐसा रिश्ता है जिससे आप दिल खोल के लड़ भी सकते हो, तुमने क्या किया, तुमने ये दे दिया, तुमने दुख दिया, तुमने आंसू दिए, तुमने ये, मतलब लड़ाई का भी रिश्ता दिल खोल के है और खुशी का भी, मांगने का भी रिश्ता दिल खोल के है। जिससे ऐसा रिश्ता हो दुनिया में, ऐसा रिश्ता अगर किसी से हो सिर्फ माँ से हो सकता है और किसी से नहीं। तो दोस्तों अगला वीडियो में ये बनाऊंगा कि हमारे कौन कौन से काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में लड़कियों के प्रति अत्याचार हुआ, भ्रूण हत्या हुई, उनको पैदा नहीं होने दिया, ये कौन कौन से काल से ऐसा अत्याचार होता आया है, इस पर आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ये बता सकूं कि कल्की अवतार के रूप में कन्या ही कन्हैया क्यों नहीं काली का अवतार लड़की हो, क्योंकि शोषण शुरू से लेके एंड तक हम कुछ भी पढ़े तो लड़कियों का तो हुआ ही है, कलयुग में तो अति है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या क्या
पॉइंट शामिल करूं उसमें, ताकि आपको भी पता चल सके कि सच में रिसर्च क्या कहती है। जय हो दोस्तों।